डाउट तुम्हारा इसमें था ना, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ मोशन, यही वाला बेटा। तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ मोशन, मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो सेकेंड लॉ मोशन है, ओके, उसी को हम लोग डिराइव करेंगे तो एक फोर्स का एक इक्वेशन आ जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए वाला। तो जो सेकेंड लॉ से ये वाला एक्सप्रेशन आता है, ओके, तो यहां से हम लोग को डिराइव करके यहां तक ले जाना, ठीक है? अभी मैं बोर्ड में बता रहा हूं, ठीक है बेटा? गुरविंदर, और अभी यहाँ पे कोई कोई सब तुम्हारे सीनियर लोग पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए अभी हमारे पास मार्क्स भी लगा हुआ है, ठीक है? धन्यवाद। अच्छा, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, दिखाई दे रहे बेटा ठीक से? हाँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना बेटा? यही तो है ना। तुमको मालूम है क्या होता है सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ के जो स्टेटमेंट होता है वो होता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेटा जो मैंने बोर्ड में लिखा वो तुमको दिखाई दे रहा बेटा? गुरविंदर, तो मीनिंग पता चला है? ये वाला बुक में कहाँ लिखा है? ये देख, सेकेंड लॉ मोशन, सेकेंड लॉ मोशन का स्टेटमेंट पता है ना क्या है? कहां पे लिखा था सेकेंड लॉ मोशन? यस, तो वहां पे सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो शॉर्ट में वाला लिख दिया, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो अभी देखो, मैं तुम लोग को एक चीज पहले भी समझाया था। जैसे मान लो हम लोग का जो मान लो फेयर, जैसे टिकट कॉस्ट जो भी है, तो वाई मैनेजर्स एक्स, ये वाला बात होती है। तो कोई जगह पे मान लो जो फेयर है, पढ़े वाला कौन सा डिस्टेंस, जो फेयर होगा डिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनल है, तो फेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो फेयर को हम लोग वाई बोलेंगे, तो इसको एक्स बोलते हैं। तो वाई इक्वल्स टू हम लोग कुछ लिखते थे, सम कांस्टेंट इनटू एक्स, कांस्टेंट लिखते थे। ओके, पूरा लिखो। जैसे देखो, 1 किलोमीटर तुमने रन किया, तुमको मान लो कि 5 रुपीज लगा। 2 किलोमीटर रन किया, तुम मान लो 10 रुपीज लगा, 15 रुपीज लगा, ठीक है? ये पता चल रहा है, जैसे किलोमीटर जैसी बढ़ते जा रहा है कि यहाँ पे रुपीज भी बढ़ते जा रहा है, ओके? तो ये जो फेयर है, इसको हमने बोल दिया सपोज एक्स, वाई इसको बोल दे एक्स, तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो वाई इक्वल टू कितना एक्स होगा बेटा? यहाँ पे कितना लिखो? कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी प्रियांश?
जैसे 1 किलोमीटर गया तो 5 रुपीज लगा, 2 किलोमीटर गया तो 10 रुपीज लगा, 3 किलोमीटर गया तो 15 रुपीज लगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो y इक्वल टू यहां पे क्या लिखेंगे, सम कांस्टेंट इनटू x। यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, 5। नो, कांस्टेंट की वैल्यू 5 होगी। तो देखो जब तुमने यहाँ पे 1 पुट करोगे 5 आ जाएगा, जब 2 पुट करोगे 10 आ जाएंगे, जब 3 पुट करोगे 15 आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। अभी तुम ये भी लिख सकते हो, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ये भी लिख सकते हो। तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा, सम कांस्टेंट इनटू y। यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा बेटा, गलत, 1/5। क्यों, देखो किसके वैल्यू, y के वैल्यू अभी पुट कर रहे हो, y मींस रुपीज वन। तो x इक्वल्स टू 1/5 इनटू 5 पुट करो तो 1 आ रहा है। तो x इक्वल्स टू 1/5 इनटू 10 पुट करो तो 2 आ रहा है ना। तो जो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x भी है। ये बात क्लियर हुआ, यस और नो? यस, ओके। अभी ये वाला क्यों बोला, उसके बारे में ध्यान रखिए। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। तो दैट मींस क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। इसको क्या बोलते हैं, P2 - P1, ये वाला चीज हो। तो देखो लॉ में क्या बोला, ये तो तुमको समझ में आ गया। तो लॉ में क्या बोल रहा है देखो, लॉ में ये बोल रहा है, रेट ऑफ मोमेंटम। हाँ बोलो, अच्छा वो भी नहीं पता ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, अब इसको मत देखो, मैं अभी बता रहा हूँ। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अभी देखो मोमेंटम जो होते हैं पी से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। ये याद है बेटा, ओके, बहुत बढ़िया। तो इनिशियल मोमेंटम इसको P1 लिख दिया, तो फाइनल मोमेंटम को P2 लिख दिया। बात क्लियर, इनिशियल फाइनल मोमेंटम को P2 लिख दिया। बात क्लियर, अच्छा। ये दोनों चेंज होने में जो टाइम लगा था वो कितना टाइम को टी बोलते। तो अभी सुनो, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, यहां से यहां तक कर देता हूं, इसको थोड़ा सा साफ करता हूं। चेंज इन मोमेंटम, बेटा बोर्ड में ठीक से दिखाई दे रहा ना, आंखों में स्ट्रेन तो नहीं पड़ रहा, मैं बड़ा बड़ा ही लिख रहा हूं। चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू व्हाट, P2 - P1, दिस वन इज क्लियर, चेंज इन मोमेंटम। ये बात क्लियर हुआ, बोलो कुछ। अच्छा यस लिख दिया, और प्रियांश लिखा, अच्छा यस सर, गुड
बहुत। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दोगे, चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रेट आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू पी टू माइनस पी वन अपॉन टू। ये बात क्लियर हुआ, यस और नो? अच्छा, रेट मतलब क्या होता है बेटा, टाइम से डिवाइड करोगे ना, जैसे रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। हाँ, तो एफ इक्वल्स टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू माइनस पी वन अपॉन टी। तो एफ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सम कांस्टेंट इनटू पी टू माइनस पी वन अपॉन टी। ये क्या है, कांस्टेंट। ओके, ये भी लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, यहां तक क्लियर बेटा? दिस मच इज क्लियर? हाँ, तो कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करोगे तो कांस्टेंट से इंटू करना पड़ता है। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? ये जैसे मान लो फोर्स हुआ, मोमेंटम हुआ, जैसे मान लो तूने फोर्स, जैसे मान लो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, हमें तो पता नहीं ना वहां पे, जैसे हमने बोला था इसका 5 है तो इसका हुआ 9 किलोमीटर वाला, ये वाला गियर वाला, इसका 10 हो रहा है तो इसका 2 है तो 10 हो रहा है, 2 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया तो 15 हुआ। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, ये जो था ना, एक बार 5 आए थे ना इस तरीका से, तो ये भी इसके साथ प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो इक्वल करेंगे तो सम कांस्टेंट से इंटू करना, जैसे यहां से 5 से इंटू हम लोग कर रहे हैं। बात क्लियर? हाँ, के पे आए, के क्या वैल्यू 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? तो हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर सकते, के हम लोग लिख के रखेंगे, थोड़ी देर बाद लास्ट पे जाके बोलेंगे के का वैल्यू इतना है। ठीक है बेटा, बात क्लियर ना? अच्छा, जो भी पढ़ रहे बेटा, यस सर बोल देना, लिखने से मेरे को पीछे आ रहा है ना, पढ़ रहे बार बार। ठीक है, अच्छा, ओके। हाँ, इधर अभी देखो, ये खत्म नहीं हुआ बेटा, 50% हुआ। तो ये इक्वल्स टू के पी टू माइनस पी वन अपॉन टू। तो के पी टू मतलब क्या होता है, एम वी, पी वन मतलब एम यू अपॉन टी। इज इट क्लियर? क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल मतलब यू है, तो के एम कॉमन ले लेते हैं, वी माइनस यू अपॉन टी। हाँ बेटा बताइए, वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? ऐसे बताते हैं ना बेटा। ओके, एफ इक्वल टू के एम, तो लिख लेता हूँ एफ इक्वल टू के एम इनटू ए। बात क्लियर? बात क्लियर? इन एस आई सिस्टम एफ इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन, एम इक्वल टू क्या होता है, 1 केजी, ए इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर पर सेकंड। तो सारे पुट कर देते हैं, एफ के जगह 1, के का इसका 1, इसका 1, तो k इक्वल टू क्या हुआ, 1 आ गया। बात क्लियर हुआ? F कितना होता है, 1 न्यूटन। बात क्लियर है? मास का यूनिट क्या होता है, ये तो तुम लोग जानते हो, बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है, बताइए।
मास की यूनिट क्या होता है? मास मीन्स क्या, 1 kg होता है ना, और एक्सीलरेशन क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी में तो हुआ वन आएगा ना भाई, ठीक है ना? इसमें वन, इसमें वन, इसमें वन, ये दिखा दे रही है यहाँ पर। ओके, तो k इक्वल्स टू कितना है, वन आ गया। तो अभी देखो फाइनल लिख देता फाइनली लिख देता हूँ। तो हम लोग का क्या था, एफ इक्वल टू के एम ए था। एसआई सिस्टम में एफ जो है 1 न्यूटन, एम जो है 1 kg, ए जो है 1 मीटर पर सेकेंड। तो एफ जो है, एफ इक्वल टू के एम ए, तो एफ की जगह 1 k 1 into 1, a equals to कितना, 1। तो a equals to क्या होता है, k m a, k का वैल्यू कितना है बेटा, 1, 1 into m, a equals to क्या हुआ, m। तो ये जो तुमने k पहले तुमने बोला था जो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट इसी जगह से निकलता है। एसआई सिस्टम में k का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो a equals to k m a आ गया, तो a का वैल्यू 1 है, तो a equals to क्या होगा, एम ए। किला बेटा, एम ए नहीं है, एम इंटू ए, वो ऐसे लिख दिया बेटा, इसमें गैप होगा। एम इंटू ए, एम होता है मास और ये होता है एक्सीलरेशन। ए इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या बेटा, तो इसको क्या कहते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटा? हाँ, अंडरस्टूड? तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? यस और नो, लेख जल्दी। डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ, लेख जल्दी। प्रियांश लेख, प्रियांश हाँ, सॉल्व करके सेंड कर दे, मैं इसे ऑफ कर दे रहा हूं, ठीक है? ओके।